उसके अंदर आलिमा का कोर्स, कारिया का कोर्स और दीनी तालीम और दीनी तालीम के साथ साथ में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह की मुकम्मल तालीम दी जाती है। और उसमें जो आलिमा का कोर्स या कारिया का कोर्स कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद उसको उन बच्चों को समझ से नवाजा जाता है, समझ दी जाती है। आज वही कार्य था जिसमें के मदरसे से फारिग होने वाली तालिबात के स्तर पर दुपट्टे से उनको इस सुनहरे मौके से नवाजा गया। लगभग कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई आप? आज तकरीबन 5 बच्चों की दस्तारबंदी। क्या क्या नाम है, कहाँ की, बच्चों की?
नाम जिसमें के वसिया फातिमा बिनते जनाम हाजी रिजवान मौला सौंदा जिला मुरादाबाद, नाजमीन फातिमा बिनते जनाम हाज याकूब अली मौजा बिस्कुट फैक्ट्री जिला मुरादाबाद, जिया नूर बिनते जनाम मोहम्मद शमसाद मौजा जटपुरा जिला रामपुर, माविया फातिमा बिनते जनाम मोहम्मद नबी रहमतनगर गली नंबर 1 मुरादाबाद, रोहिना फातिमा बिनते जनाब यूनुस परवेज आजाद नगर जिला मुरादाबाद। लगभग कितनी बच्चियाँ तालीम पाती हैं आपके मदरसे में? हिंदुस्तान में किस किस जगह रखी हैं आपने? हिंदुस्तान में तकरीबन अपने जिले जिले की है या रामपुर की बच्चियाँ? उत्तर प्रदेश की जी, जिला रामपुर और जिला मुरादाबाद। नौजवान बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? कितनी बच्चे तालीम पाती हैं? तकरीबन 100-125 बच्चियाँ तालीम पाती हैं। क्या अपील करना चाहेंगे इस मौके पर? दस्तारबंदी का प्रोग्राम था आज, क्या कहना जी? आज का ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम था बच्चों की तालीम का, लास्ट में जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें कि बच्चे आलिमा का कोर्स और कारिया का कोर्स करके फारिग होते हैं। क्या अपील करेंगे उन लोगों से?